कपड़ा मार्केट में कई दुकानों से उड़ाया कैश और लाखों का माल। राजधानी में चोरों ने कड़ाके की ठंड के बीच कपड़ों की दुकानों के ताले तोड़ डाले और लाखों का माल चुरा कर फरार हो गए। वही चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाहदरा जिला के गांधीनगर की कपड़ा मार्केट के कारोबारी चोरों के आतंक से काफी परेशान है। कारोबारियों का कहना है कि चोर आए दिन यहां आतंक मचाते रहते हैं। सोमवार को भी चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़ गले में रखा कैश कपड़ा सहित लाखों का माल लेकर फरार हो गए। दुकानदारों ने जब दुकान में लगा सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो चोरों के गिरोह की हरकतें कैद हो गई। वारदात को 4 गिरोह के चोरों ने अंजाम दिया था। दुकानदारों ने बताया कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से चोरों का आतंक है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आपकी दुकान पे चोरी हुई है, कब हुई है? जी, मेरी दुकान पे इसी सोमवार को 24 तारीख को हुई है, 24/12/2018 को। तो कितने लोग आए थे चोरी करने, कैसे आए थे? 4 लड़के आए थे, वो आए बेखौफ आए और उन्होंने एक एक करके 4 जन आए और 4 जनों ने इकट्ठे ताले तो वो ताला भी नहीं तोड़ा, शटर मोड़ के एकदम ही शटर उठा दिया और जिसमें से मेरा LCD भी ले गए चोरी करके। 15-16 बंडल गए हैं माल के और करीब 70-80 हज़ार रुपये मेरा कैश था, वो भी चोरी हुआ है। तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? जी, करीब मेरा 2.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो यहाँ गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बहुत बताई जाती है, यहाँ पर ही आए दिन चोरियाँ होती हैं, तो आप लोग क्या कड़े कदम उठाने जा रहे हैं? सर, मेरी पिछले साल भी चोरी हुई है, इन्हीं दिनों में हुई है सर्दियों में, और हम सुरक्षा के लिए तो हमने गार्ड रख रखे हैं दो, लेकिन वो भी 6 बजे तक चले जाते हैं, तो उन्होंने 6 बजे ही करी है करीब, तो हमारे पास उसकी फुटेज भी है। हम पुलिस में भी गए हैं तो वो वहाँ पे भी हमारे को कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे, वो बस पहले दिन आए खाना पूर्ति करके चले गए। इसमें मेन सबसे ज़्यादा नाकाम पुलिस वाले हैं, जो हमारी चोरी का कारण है पुलिस वाले ही। तो पुलिस को आपने CCTV भी दिया है, उसके बावजूद भी चोरी पकड़ी जा रही है? उसके बाद तो हम 3-4 बार वहाँ हुए हैं, वो बात सुन के राजी नहीं होते, वो तो सोचते हैं भी 2-4 के और ताले टूट जाएँ जैसे आज टूट गए, तो वो और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद और कुछ टूटे, तो कुछ ना कुछ उनको भी प्राप्त होता होगा ना सर, इसी मारे वो अपनी उनकी सहमति से हो रहा है सर ये जो काम हो रहा है। क्या नाम है साहब आपका? हिमांशु नाम है। हेल जा रही है। हिमांशु, क्या हुआ है कल रात को? जो 4 से 5 दुकानों को ताले टूटे यहाँ पर, एक दुकान हमारी भी थी इसमें। तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? 50-60 हज़ार रुपये कैश लेके गए हैं, उधर से निकल गया, 10-5 मिनट लगे हैं, कैश लेके गए हैं, वो कैश गले वाले दुकान पर। तो क्या ये आए दिन यहाँ पर ऐसी चोरी होती रहती है? होती रहती है, 2 दिन पहले इसके ऊपर ही दुकान पे टूटी है, वो ताले टूटे हैं। तो क्या यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है क्या रात को? पेट्रोलिंग भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो कभी आपने SHO से ACP से शिकायत की? शिकायत करी है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, गांधीनगर मार्केट है, और यहाँ पर भी अगर सुविधा नहीं मिलेगी, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत तो होती है। से गश्त की मांग भी कई बार की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस से पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।